और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं पीलीभीत के अमरिया के ग्राम धुंधरी में सोमवार को गैंगस्टर आरोपी रियाज अहमद पुत्र कल्लू फहीम पुत्र सलीम इफ्तकार उर्फ बबलू पुत्र नियाज अहमद यासिन उर्फ गुड्डू पुत्र अली हुसैन ने के एसडीएम ने घर को कुर कर तारे डाल दिए हैं। एसडीएम के पास आरोपी को पेश होकर ब्यौरा देना होगा, इसके बाद पर छूट सकेगा। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सोमवार को अमरिया के एसडीएम सौरभ यादव तहसीलदार अशोक गुप्ता व इंस्पेक्टर के वर्मा के साथ फोर्स लेकर धुंधरी पहुंचे। इसके बाद गिरोह बंद और समाज क्रियाकलाप निवारण अधिनियम गैंगस्टर अधिनियम के तहत रियाज अहमद फहीम अहमद इफ्तकार अहमद और यासिन उर्फ गुड्डू के घर को कुर कर ताला डाल दिया गया। इसकी जानकारी लाउडस्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को दी गई है। कुर किए गए चारों मकानों की कीमत 35,42,000 रुपए बताई गई है। वहीं कुर्क मकान को लेकर आरोपी को एसडीएम कोर्ट में अपना पक्ष रखकर मकान का ब्यौरा देना होगा, ताकि मकान छोड़ा जा सके। ब्यौरा न देने तक मकान को कुर्क ही रखा जाएगा। बता दें कि लगातार पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी गैंगस्टर व अपराधियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और उसको लेकर ही बड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। इसमें आज पीलीभीत के अमरिया तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत धुंधरी में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में गैंगस्टर के आरोपियों पर पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा मकानों को कुर्क किया गया है, जिससे लगातार लोगों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि इस तरह की कार्रवाई लगातार पुलिस व प्रशासन पीलीभीत जनपद में करता नजर आ रहा। थाना अमरिया क्षेत्र में गौकशी से संबंधित चार अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर जो लगाया गया था, उस गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 एक्ट के अंतर्गत जो अवैध जो धंधे से जो प्राप्त धन से प्रॉपर्टी जिन्होंने बनाया है, वो प्रॉपर्टी आज कुर्क किए गए हैं। लगभग 35 लाख की कीमती प्रॉपर्टीज आज जो है चार अभियुक्तों की प्रॉपर्टीज सीज किए गए हैं। लगातार इस तरह से कार्रवाई जो शासन स्तर से जो निर्देश दिए जा रहे हैं, आगे भी लगातार इस तरह से जो कार्रवाई किया जाएगा। अब तक विगत 6 महीने के अंदर 14 करोड़ की प्रॉपर्टीज जो गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज की गई। इनमें एक की कीमत है 8,82,000 तथा दूसरे की कीमत है 5,15,000 तथा तीसरे की कीमत है 2,52,000। कुल मिलाकर के इनका पूरी कीमत अनुमानित है 14,49,000। ये जो रियाज की है गुड्डू, इनकी इनका जो मकान है उसकी कीमत है 6,05,000। भाई पुत्र सलीम, इनकी मकान की कीमत है 8,31,000। तथा इस्तकार उर्फ बबलू, इनके मकान की कीमत है 6,57,000 रुपए। सुनो, इस्तकार उर्फ बबलू पुत्र न्याज का मकान कुर्क किया जाता है। सुनो, रियाज पुत्र कल्लू का मकान कुर्क किया जाता है। सुनो, यासीन गुड्डू पुत्र सलीम हुसैन अली हुसैन का मकान कुर्क किया जाता है।